जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, उस जानकारी की आपको बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना। और एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को आप ज्वाइन जरूर करना एक महीने के लिए। उसमें आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा, 100-200 रुपये लगेंगे आपके, लेकिन एक चैनल एक महीने के लिए आप ज्वाइन जरूर कर लोगे और एक मुझसे आपका जुड़ाव हो जाएगा। मतलब कि मुझसे आपका आप मुझसे जुड़ जाओगे, तो इसलिए आप चैनल को ज्वाइन जरूर करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो किस टॉपिक पर मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है। मुझसे मेरे ही एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है कि गुरुजी, जब हम साधना करते हैं, कोई भी साधना करें या फिर योग करें या फिर ध्यान लगाएं, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? मतलब कि गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसे में उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये उन्होंने मुझसे पूछा है। ऐसा हम क्या करें कि वो गुस्सा हमारा कंट्रोल हो? तो देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं कि भाई आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप कैसा भी कर लो, होता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि भाई ये गुस्सा आता क्यों है। देखिए, जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं, तो आप सभी को पता है कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में, क्योंकि हर किसी मंत्र जाप में या फिर योग में यह कहा जाता है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जब आप करेंगे, तो जो हमारा वीर्य है, जो वो मणि है, तो साधना जब हम करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं या फिर कोई योग करते हैं, उसमें वो जो वीर्य होता है वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है। मतलब कि वो ऊपर की तरफ चलता है। जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें होते हुए वो सहस्रासार तक पहुंचता है। और सहस्रासार कहां पे है? हमारे मस्तिष्क में। जो हमारा सिर है, जहां हमारा मस्तिष्क है, वहां पर सहस्रासार और आज्ञा चक्र है, तो ये वहां तक पहुंचता है। अब वो नीचे की तरफ तो चलता नहीं है, क्योंकि जब ये तो एक नेचुरल क्रिया है, जो क्रिया है नेचुरल, अगर वो नीचे की तरफ चलेगा तो क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे, बस। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ बच्चे ही पैदा होंगे। जब मूलाधार से वो वीर्य नीचे की तरफ चलेगा तो बच्चे पैदा होंगे, और जब ऊपर की तरफ चलेगा तो वो हमारा परमात्मा से मिलन कराएगा। तो अब होता क्या है कि जब वो ऊपर की तरफ, कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की तरफ चलती है, तो वो हमारे ऊपर जो, जिसको हम हेड बोलते हैं, सिर बोलते हैं, वहां पर जाकर के टकराती है। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे ऊपर कुछ वेट रखा है, या सर के टॉप पर बिल्कुल एकदम कुछ गुदगुदी सी हो रही है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जो ऊर्जा है वो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा वो सीधे यहां पर टक्कर के मारती है, ऊपर टकराती है। तो उस व्यक्ति को जब कुंडलिनी शक्ति की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जब वो ऊपर की तरफ चलती है सहस्रासार में, तो वो ऊर्जा जाकर के वहां सहस्रासार में जो हजारों कमल दल के समान जो छत्ता लटका हुआ है, जो परमात्मा से मिलन का और सारी शक्तियों के द्वार खुलने का रास्ता है, वो वहां पर जाकर के टकराती है। और वो उन जो रंध्र, जो ब्रह्म रंध्र है ना, उनको वो खोलती है। तो वहां ऊर्जा इकट्ठी होती है, ऊर्जा का टकराव होता है वहां पर। और जब वो ऊर्जा का टकराव वहां पर होता है, तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं। हमारा जो शरीर मन मस्तिष्क है वो उसको झेल नहीं पाता है। उस कारण से हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। यही कारण होता है कि साधना में हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए।
देखिए सबसे पहला तो ये है कि हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमें कहा गया है कि साधना काल में एकांतवास करो, किसी से ज्यादा बातचीत मत करो, किसी पर क्रोध मत करो, गलत मत बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। इसीलिए कहा गया है कि जब हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, कोई व्यक्ति हमसे बातचीत ज्यादा करेगा नहीं, तो हमें गुस्सा कहां से आएगा? तो हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। तो अब जब गुस्सा नहीं आएगा, हम शांत रहेंगे, तो फिर कोई हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए मना किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आप कम से कम लोगों से बहस करें, कम से कम लोगों के पास जाएं, हमेशा मौन रहने की कोशिश करें, ठीक है। और कुछ ठंडी चीजें आप खाएं, क्यों, जैसे कि हमें साधना काल में लहसुन प्याज लाल मिर्च तेल से तली हुई चीजें, ये सब परहेज करना होता है। वो किस लिए कहा गया है परहेज करने के लिए? वो इसीलिए तो कहा गया कि ये वस्तुएं सारी गर्म वस्तुएं हैं, ये सारी गर्म चीजें हैं, जिससे कि वो उस ऊर्जा को और बढ़ाएंगी और हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन सब चीजों को मना किया गया खाने के लिए, इसीलिए मना किया गया है। तो आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें उसमें, क्योंकि आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और तो और आप ज्यादा सही रहेंगे। और इसीलिए साधना काल जो बताया गया कि भाई साधना आपको हिमालय में जाकर के करनी चाहिए, क्यों चले जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि वहां पर ठंडा क्षेत्र है, और ठंडे क्षेत्र में वो जो हमारे अंदर ऊर्जा जो बनती है वो हमें ज्यादा विचलित नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमेशा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना, योग व्यायाम जरूर करना, जैसे कि आप प्राणायाम जरूर करना है, उससे मन मस्तिष्क शांत रहेगा। भ्रामरी ओम का उच्चारण जैसे हम करते हैं ना, लंबा खींच करके, सांस को लंबा खींच करके और करते हैं ना ओ, इस तरीके से, तो लास्ट तक, हालांकि मैं और भी खींच सकता था आगे, लेकिन क्योंकि वीडियो में तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए ठीक नहीं है वो। तो इस तरीके से जब पूरा आपके अंदर की वायु बाहर निकल जाए लास्ट में, तब इसको बंद करना है। तो आप देखेंगे कि गुंजरण होगा, जब आप अपने कानों में दोनों में उंगलियां लगा करके बंद करके उन रास्तों को, और जब आप इस ओम का उच्चारण करोगे तो एक गुंजरण सा होगा और वो आपके मस्तिष्क में टकराएगा। तो इस तरह से आप इस योग को करें तो आप बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे, मन शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। ठंडी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अच्छी चीजें, किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये सब साधना काल में करो, जिससे कि आपका मन शांत रहे। तो खैर वो सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो चला है, तो इसी के साथ अब मैंने ये सब जानकारी आपको दी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप आचरण जो करेंगे, जो हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में जो साधना करते टाइम हमको नियम बताए गए हैं, उन नियमों का पालन इसीलिए बताया गया है कि जिससे कि इस ऊर्जा को हम अपने अंदर समाहित कर सकें, इस ऊर्जा का हम अपने अंदर शोषण कर सकें, ये ऊर्जा हमारे शरीर को परेशान ना करे, इस ऊर्जा का हम भक्षण कर जाएं, जिससे कि हमारा शरीर दिव्य और चैतन्य हो जाए। तो अब ऐसी स्थिति में इस ऊर्जा का भक्षण करना तो जरूरी है ना, और वो किया कैसे जा सकता है? वो सब इन्हीं क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं और जो शास्त्रों के और ग्रंथों के माध्यम से बताई गई है। तो आप इस चीज पे जरूर आप गौर करना कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर आप संभल जाएं, क्योंकि कई बार साधना काल में कुछ गलत भी हो जाता है। तो अब खैर मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा इतनी जब ये लंबी चीजों पर, तो फिर ठीक है, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। समाधान मैंने आपको बता दिया है, विधि मैंने आपको बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।